दिमाग खराब है। तेरे को स्कैम लगा भाई। Hey guys, आज हमारा सेकंड लास्ट डे है और अभी फिलहाल हम लोग मॉल जा रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया कल, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो आज भी मैं बहुत कोशिश करने वाला हूँ कि अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास कपड़े है नहीं, ये आखिरी जोड़ी है मेरे पास बैंकॉक के लिए। आज रात को भी मुझे लगता है पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। हर बार बोलता रहता है इसके पास कपड़े नहीं है और काले के अलावा इसको कुछ खरीदना नहीं है, दिमाग खराब है। तो और रात को आज मैं वापस से क्लब जाने वाला हूँ क्योंकि मॉम और हम लोग को बहुत मजा आया था, तो वो क्लब में हम लोग वापस जाने वाले क्योंकि वहाँ पे मॉम की पहचान भी है, तो हम लोग वापस जाने ऑन द वे है। ये हमारे काफी अच्छे मित्र बन चुके हैं जो हमारे लिए इंतजार करते हैं और हमारे हमारी हर रोज लूटते हैं हमको और के। यहाँ पे मेकअप ट्यूटर भी होता है गाइस रोड पे। यहाँ का टुक टुक का मजा ही कुछ और है और इतना तेज है यहाँ की टुक टुक भाई, 120 की स्पीड पे चलते हैं लोग। आपको मॉल तो हमने पूरा घूम लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे जो मेरे सिटी वॉक है, बोलते ही ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, एक बार जाके देख लेते हैं। खैर मुझे कुछ मिला नहीं प्लैटिनम से आज भी, बट मैं अभी सिटी मॉल जाके चेक करूंगा और उसके बाद अच्छा मॉल जाऊंगा। सिटी सेंट्रल या सिटी वॉक पता नहीं, सिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यहाँ पे आ गए। और ये लेना है आपको गुड्डू, आपको सूट करेगा सब। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वैसे कुछ खास नहीं है, मॉल की हालत देख के आप बता सकते हो। इधर के मॉल बहुत गंदे यार कंपैरेटिवली, ठीक है, बट कपड़े भी इतने कुछ खास नहीं है सच बोलो तो। ये लड़कों का सेक्शन है, यहाँ पे जीन्स मिलेगी आपको, ये होलसेल है जीन्स के लिए। लड़की की जीन्स है जो मैं लाइफ में नहीं पहनूंगा। बाप रे बाप, ये क्या है यार ये। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग पैरागॉन मॉल जा रहे हैं जो यहाँ पे ब्रांड्स मिलते जाते अच्छे से। तो आज तो कुछ मिला नहीं, तो अभी देखते हैं अब क्या मिलता है वहाँ पे। अभी आ गए हम लोग दूसरे मॉल गाइस, जिसका नाम है सियाम पैरागॉन एंड यू हैव ऑल द ब्रांड्स ओवर हियर। वापस से होटल आ चुके हैं और मैंने आज भी कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं लिया मुझे, क्योंकि आज भी कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं कि एक दिक्कत क्या है पता है गाइस, यहाँ के कपड़ों का, एक तो आपको अगर सस्ते कपड़े चाहिए तो आपको मुंबई में भी मिल जाएंगे। अगर आप कंपेयर करो तो बैंकॉक है महंगा, लोग बोलते नहीं महंगा है, बट 100-100 बात का टी शर्ट, मतलब 250 रुपये का टी शर्ट तो कोई पहनेगा नहीं, इतना भी कम पहनने वाले पहन भी लेंगे, मैं भी पहनता हूँ। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ के कपड़ों यहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, तो क्या मतलब हुआ यार कपड़ा लेना, फिर टाइट बॉडी फिटिंग एकदम। मैं तो बोला यार मैं नहीं ले सकता हूँ यार, मैं मुंबई जाके शॉपिंग करूंगा अब। तो अभी देखते क्या प्लान है, मुझे पता नहीं, लेट्स सी, आई विल डिसाइड। ये कपड़े So guys, we've come here again because these things, they really have some amazing fragrance. बहुत बहुत बढ़िया है। ये तीन ले रहे हो? Guys, तो अभी मैंने एक चीज देखी है कि आप ये सब देख सकते हो, ये सब असली है, इनको फ्रेम में रखा गया है खूबसूरत बट बुरा भी लग रहा है वैसे, बट क्या बोलूँ मैं, they're all real man. They have a lot of, oh shit, not this. They have a lot of things over here. And he is very sweet, this man.
सो ऑनेस्टली बोलूं, आज हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैं भी पूरा दिन बोर हो गया, वॉक करते 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 कुछ कपड़ा भी नहीं मिला। तो मसाज तो ले लिया था, पर मैं और मोम वापस से फुट मसाज के लिए जा रहे हैं क्योंकि पैर थक गए हमारे। और फिर मैं कुछ खा लूँगा, फिर सो जाऊँगा और फिर कल कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो। हो चुकी है, अभी हम लोग जाने वाले हैं सेंट्रल मॉल। और सेंट्रल मॉल के बाद पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले। मोहित का कॉल आया, वो डिले हो गई उसकी फ्लाइट, तो हम लोग शाम को करीब पता नहीं कितने बजे मिलने वाले। और उसके बाद मैं जाऊँगा, कहीं डिनर पे जाएंगे हम लोग एंड देन वील गो टू अ क्लब। आज लास्ट डे, कल वापस से मैं चले जाऊँगा अपने देश। और अभी सबसे पहले मुझे कुछ नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। यार बैंकॉक में लोग मुझे पहचान रहे हैं, आई मीन नॉट एशियन पीपल बट पाकिस्तानी हैं या के बर्मन लोग हैं, नेपाली लोग हैं। तो इतना अच्छा फील, इतना अच्छा लगता है ना मुझे जब लोग मुझे बैंकॉक में भी पहचानते। सो थैंक यू यूट्यूब एंड जो जो मुझे फॉलो करता है, जो जो मुझे देखता है, आप लोग की वजह से ही मुझे इतनी पहचान मिली आज। और एक चीज़, काफ़ी लोग मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं अपने बाल काटो। अरे ये तुम्हारे बाल है क्या? ये मेरे बाल है, मुझे पसंद है, मेरे को बाल बढ़ाने हैं। तुम लोगों को क्या जा रहा है? जिस जिसको प्रॉब्लम है जाके खुद बाल काट लो ना अपने। मेरे बाल के पीछे क्यों पड़े हो? ये बाल मैं तुम लोग के लिए उगा रहा हूँ? नहीं ना, ये मैं मेरे लिए उगा रहा हूँ, उगाल रहा हूँ। ये मैं अपने लिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है लंबे बाल, बॉस। ठीक है, लव यू ऑल। कैब वालों के नाम, लोगों के नाम बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हिज नेम इज उदित, उदित उदित एंड हिज सरनेम इज तपक्रथो। माय नेम क्षितिज, 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 क्षितिज। माय लास्ट नेम डोलकिया। क्षितिज डोलकिया। स्मार्ट है लोग यहाँ पे बहुत, हल्के में मत लेना लोगों। और एक और बात मैं बोल लू, अगर यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आते, मैंने देखा है कि लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट बहुत सबको हिंदी आती है यहाँ पे। ये लोग बस दिखावा करते हैं, ये लोग को आती नहीं, आती सब कुछ है ये लोग को। बढ़िया गाइस, सो अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं सेंट्रल वर्ल्ड मॉल। यहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे और अनफॉर्चुनेटली वापस से मैं जाने वाला हूँ प्लैटिनम मॉल, क्योंकि आज आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं अगर मुझे कोई कपड़े पसंद आते भी है कि नहीं आते। तो अभी अंदर एक बार घूम लेते हैं, बहुत अच्छा मॉल है बोलते हैं। गाइस लाइफ में बैंकॉक आके ज़ारा में शॉपिंग मत करना, लूट मचा रखी है लूट। गाइस शॉपिंग के बाद ना वैट लेना भूलना नहीं, हमेशा आप काउंटर पे पूछना वैट के बारे में, वो आपको एक फॉर्म देंगे, फिल करना, आपको पैसे रिफंड मिल जाते थोड़े। एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप बैंकॉक आना चाहते हो और शॉपिंग करना चाहते हो, और अगर आप H&M, ज़ारा या ब्रांड शॉप करना चाहते हो, मत करना यहाँ पे। यहाँ पे सब डबल द प्राइस है, मतलब वही चीज़ आपको मुंबई में 1000 की मिलेगी, यहाँ पे आपको वही चीज़ मिलेगी 2500 रुपए की। तो 1500-2000 रुपए ज़्यादा ही मिलता है, अगर आप लोग बहुत पैसे वाले हो तो आप ले सकते हो। और स्ट्रीट शॉपिंग भी कुछ खास नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको अंधेरी और बैंड्रा ले जाऊंगा, वहाँ पे भी आपको 200 रुपए की टी शर्ट मिल जाएगी। मेरे को स्कैम लगा भाई, बैंकॉक कपड़े वपड़े नहीं यार। यहाँ पे तुम घूमो, मज़े करो, वॉकिंग स्ट्रीट जाओ, एक्सपीरियंस करो क्लब्स, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। मंदिर जाओ, टेंपल्स देखो कितने अच्छे अच्छे, मुझे मौका नहीं मिला बट मैं वापस आऊँगा, बट शॉपिंग तो कभी नहीं, कभी भी। हम लोग ने थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया है और अभी कुछ खाने जाएंगे, मुंह हाथ धोएंगे और फिर प्लैटिनम मॉल वापस से जाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ लेने की। सो सी यू। नल्ला नल्ला। तो गाइस मैं सॉरी फोर में हूँ अभी सुकुम्बित। आपको ये दिख रहा है, ये जगह, यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, बहुत बहुत शानदार, मतलब इंडिया में भी ऐसा नहीं मिलता होगा, मुझे तो ऐसा लगा। बिरयानी अच्छी है, चिकन कीमा, बटर चिकन, आलू और मटर की सब्जी,
और गोभी की भाजी, आलू का पराठा, ये सब बहुत 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 बढ़िया है। तो जब भी आप बैंकॉक आओ और आपको इंडियन खाने का मन हुआ तो आपको यहाँ पे ऐसा बेचा जाता है। इतनी कैसे कर रहा है भगवान ही जाने। ट्रैवल करना है ना, मैं कन्वीनियंट टुक टुक होता है क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। कई कई जगह लोग 300 400 बोल देते हैं, आप लोग वो लोग को डिस्काउंट बोलो, आप लोग अपना भाव लगाओ, 150-200 में काम हो जाता है। तो ये लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप बात कर सकते हो आराम से। और अच्छा खासा सामान भी आ जाता है टुक टुक में, वैसे कोई टेंशन नहीं, हम लोग 3 लोग हैं ऊपर से। बट यहाँ पे लोग बहुत प्यारे हैं, कोई एक दूसरे से झगड़ता नहीं है, बहुत अच्छा देश है, अच्छी अच्छी चीजें भी अगर आप देखना चाहो तो। अभी हम लोग बस होटल जाने वाले। गाइस होटल आ चुका हूँ मैं, और ज्यादा नहीं, मैंने कुछ कुछ शॉपिंग की है, जैसे कि मैंने कवर्स लिए हैं और फिर कुछ और चीजें हैं और फिर और पुल एंड बेयर मेरा एक फेवरेट ब्रांड है जो इंडिया में है ही नहीं, बैंकॉक में मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया। पुल एंड बेयर के कपड़े लिए मैंने 2-3। और हाँ, इट्स पुल एंड बेयर, ओके, व्हाटएवर दैट इज। और ये एक बहुत अजीब सा, बहुत सेक्सी सा ब्रांड था, पता नहीं क्या था इसे। बैंकॉक में बहुत भीड़ थी इसमें, मैं भी गया तो मैंने कुछ टी शर्ट्स ले लिए मेरे लिए, और बस यही थी मेरी शॉपिंग। मैंने फाइनली मैंने टी शर्ट्स ले लिए, और चडिया तो मैंने बहुत लिए पता नहीं क्यों। बस शॉपिंग डन, अभी बस मैं डिनर जाने वाला हूँ, दूल्हे राजा आगे इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, फिर क्लब जाऊंगा, था 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 था। कल सुबह 10 बजे निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए, फिर मेन नानी से मिलूंगा, आप लोग की सबसे प्यारी नानी को मिलूंगा मैं। रेडी हो चुका हूँ, अब नीचे बस मोहित आ गया है, अब उसको मिल लेता हूँ, और फिर हम लोग पता नहीं कोई इंडियन रेस्टोरेंट जाने वाले, उसके बाद क्लब जाके रिटर्न आऊँगा घर पे, और बस पैकिंग एंड देन मॉर्निंग आई लीव, आई गो बैक टू मुंबई। सुबह हो चुकी है और टाइम और वक्त आ चुका है हम लोग का निकलने का वापस से मुंबई। तो बैग्स जा चुके हैं, और बहुत मज़ा आई थी बैंकॉक में, बहुत मज़ा आया, बहुत याद आने वाली है मेरे को बैंकॉक की। शायद वापस से एक ट्रिप मारूंगा मैं, ये साल तो नहीं बट अगले साल प्रॉबेबली, और बस चलते हैं अब एयरपोर्ट। आता ही नहीं दरवाज़ा खोलना, गवार इंसान। हमको छोटी गाड़ी का आदत नहीं है ना, छोटी गाड़ी मैं, मुझे तो बैक सीट ही बेस्ट लगती है। थैंक यू, गाइस तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो नहीं, बट बहुत याद आने वाली है मुझे, और चलो फिर वापस से आएंगे जरूर। आ चुके हैं हम लोग गाइस, और अब पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, बस देखते हैं। यहाँ
लगेज भी मिल चुका है मुझे, अब बस ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग टाइम से समय से पहले पहुँच गए। और चलते घर, मिलते हैं सबकी नानी को, सबकी फेवरेट। ऑन द वे हूँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है मुझे। मैं बोल रहा था कि बैंकॉक की ट्रैफिक बुरी होती है, बट गाइज मुंबई की ट्रैफिक तो बाप रे बाप ख़त्म ही नहीं होती है। मिले जीबू चल बेवकूफ, गुड गर्ल चाडू। मेरी सूच है किधर? और मम्मी कैसा लगा हम लोग के बिना? चलो तुम लोग खुश सकते। कैसा है मम्मी खुशबू? अगर आपको एक बात बताऊं, मम्मी ये जो आपकी बेटी है ना, बहुत सताया इसने हमें ट्रिप पे, बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए इनके साथ जाके। अच्छा है, अच्छा है क्या? अच्छा है, तुम लोगों ने कितना सताया, थोड़ा तो कर्ज उतारोगे ना? कर्ज के साथ जाना मतलब सर तोड़ना भाई अपने दिमाग में। हाँ भाई, क्या कर रही हो? मना पता कर रहा हूँ गाइस, मुझे बहुत प्यारी है। ये क्या लाई हो? पर्स लाई हो? अबे इतने सारे पड़े क्यों लाना था ये? सिर्फ मम्मी के लिए नहीं है गाइस। तो ये बटरफ्लाई बहुत बहुत अच्छा परफ्यूम है वहाँ पे, ये थाईलैंड ब्रांड है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसका सबसे बेस्ट मुझे लॉस्टन बेड लगा है, अजीब अजीब से नाम है बट परफ्यूम्स बहुत अच्छे। इसका नाम क्या है? स्वीट, व्हाट इज इट कॉल्ड? स्वीट सेज। सैड न्यूज़ है गाइस, आप ये सुन सकते हो अगर आप ये लोग को पहचानते हो, अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो तो आप जाहिर सी बात आप पहचानोगे ये लोगों को। पता नहीं तो एक को वहाँ पे पिंजरे में रखा है क्योंकि एक ओनर ने अपने हस्की को घुमाने पे वॉक पे लेके गया था और उसको बिना पट्टे के घुमा रहा था, तो वो हस्की ने उस बेचारे को पकड़ लिया और पता नहीं क्या हुआ कि ये सबको काटने लगा, ये तीनों को काटने लगा, अपने सगे भाई बहनों को काटने लगा और फिर उसका पैर में खून आने लगा। अभी पता नहीं, इसके टेस्ट चालू है, मैं आज ही आया हूँ बैंकॉक से, इसके टेस्ट चालू है, कल मालूम पड़ेगा अगर इसको रेबीज़ है या नहीं है। अगर रेबीज़ है 100% तो शायद बोलते बचना मुश्किल हो जाता है। और आई जस्ट प्रे कि इसको कुछ हो नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसको ऐसे कंडीशन में देख के, बट उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सबको काट रहा है।
डर के माले। शायद से क्यों काट रहा है, क्योंकि हस्की ने जब उसको अटैक किया होगा उसको वहम हो गया होगा, तो यही एक कारण हो सकता है। अभी आई एम रियली फीलिंग सैड अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग, बट आई जस्ट होप ठीक हो जाए सब। क्या हुआ है? ओके बस बस बस, सिट डाउन, सिट डाउन, गुड गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल।